मोस्ट वेलकम केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में। तो हम लोग 12th का चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं और इस सॉल्यूशन में तमाम टॉपिक्स को हमने देखा। क्रिस्टलॉइड है, कोलाइड है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, लायोफिलिक, लायोफोबिक। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें हमने आपको बताया कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ये है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। इस कोलाइडल सॉल्यूशन को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया और ये दो पार्ट आपके रहे दो। एक रहा है आपका डिस्पर्स्ड फेज और सेकेंड है आपका, दूसरा है आपका डिस्पर्सन मीडियम। कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन फाउंड टू फेजेस, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। अब बात अगर हम डिस्पर्स्ड फेज की करते हैं तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड आपका डिस्पर्स्ड फेज। तो ये आपका होता है कम क्वांटिटी में, स्मॉल फ्रैक्शन में पाया जाता है, और ये आपका पाया जाता है लार्ज फ्रैक्शन में, मैक्सिमम क्वांटिटी में पाया जाता है। और हम जो है इसे समझने के लिए लिख लेते हैं कि जो डिस्पर्सन मीडियम होता है ये स्पेशली सॉल्वेंट होता है, और जो डिस्पर्स फेज होता है ये आपका सॉल्यूट होता है। तो एक है सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। कंबाइंड फॉर्म ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट नोन एज सॉल्यूशन। कंबाइंड फॉर्म ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम इज कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, स्मॉल फ्रैक्शन में जो कम मात्रा में कम क्वांटिटी में सब्सटेंस है डिस्पर्स्ड फेज है, और जो लार्ज क्वांटिटी मैक्सिमम क्वांटिटी में है डिस्पर्सन मीडियम है। डिस्पर्स्ड फेज को हम डीपी लिख लेंगे और डिस्पर्सन मीडियम को हम लिख लेंगे डीएम। वैसे भी डीएम की कैटेगरी जो है ये उच्च पद माना जाता है, तो ये आपका हो गया डीएम जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा, डीपी हो गया आपका जो कम क्वांटिटी में होगा। अब इस डीएम के बेस पर, डिस्पर्सल मीडियम के बेस पर कोलाइडल सॉल्यूशन को जो है तीन पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, और ये तीन पार्ट आपके तीन नाम है, तीन डिवाइडेशन किया गया, इसी को हमको देखना है। तो इसमें पहला नाम आप जो लिख लेते हैं ये है आपका नाम, या ऐसे लिख लिया जाए डिस्पर्स्ड फेज, और प्लस आप लिख लेते हैं डिस्पर्सन मीडियम। अब बात पहले हेडिंग की करते हैं सॉल की, तो ये आपको मिल रहा है सॉल। सॉल ए सॉल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड इन ए लिक्विड, इसमें आप कहेंगे जो आपका डिस्पर्स्ड फेज है ये होगा आपका सॉलिड, और जो डिस्पर्सन मीडियम होगा ये होगा आपका लिक्विड। ध्यान देंगे आप, ये हो गया आपका डीपी और ये हो गया आपका डीएम। तो डीपी जो है सॉलिड होगा और डीएम जो है ये कैसा होगा, लिक्विड। तो हमने बताया कि सॉल इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ सॉलिड फेज, डिस्पर्स्ड फेज होगा, और आपका डिस्पर्सन मीडियम जो है लिक्विड होगा। तो डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड में बना हुआ सॉल्यूशन कहलाता है आपका क्या है, सॉल। यहां हमने लिख लिया है ये सॉल टाइप ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड।
ये आपका सॉलिड हो गया और ये है आपका डिस्पर्स्ड फेज और लिक्विड हो गया है आपका डिस्पर्सन मीडियम। तो अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम ये आपका लिक्विड है तो इसे कहेंगे आप क्या है, ये सॉल है। और दूसरी चीज, यदि आपका डिस्पर्सन मीडियम जो है ये आपका वाटर हो, डिस्पर्सन मीडियम क्या हो, वाटर हो, तो इसका एक नाम रखा गया अलग से जो है ये होगा आपका हाइड्रोसॉल, या इसे कहा गया है आपका एक्कोसॉल। तो दो नेम और मिला, कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म इन डिस्पर्सन मीडियम वाटर कॉल्ड हाइड्रोसॉल आर एक्कोसॉल। तो यदि डिस्पर्सन मीडियम वाटर हो तो नाम हाइड्रोसॉल है, और यदि डिस्पर्सन मीडियम चेंज कर दिया जाए, यहां डिस्पर्सन मीडियम को हम ले लेते हैं एल्कोहल। अब यदि एल्कोहल हो गया तो इसे आप कहेंगे कि ये है आपका हाइड्रोसॉल, तो अगला नाम मिला हाइड्रोसॉल। इसी प्रकार यदि डिस्पर्सन मीडियम जो है आपका हो जाए एयर, क्या हो जाए एयर, तब इसका नाम लिखा जाता है एरोसॉल। इसी प्रकार यदि डिस्पर्सन मीडियम में आपका हो जाए बेंजीन, तो ये एज ए सॉल्वेंट काम करते हैं, अगर बेंजीन हो गया तब नाम हो गया आपका बेंजोसॉल। तो डिस्पर्सन मीडियम में आपका चेंज है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में आपका चेंज है। यहां क्या है आपका डिस्पर्सन मीडियम, यदि वाटर है तो नाम हाइड्रोसॉल है, एक्कोसॉल है, हाइड्रो मींस बताया था वाटर होता है। यदि आपका एल्कोहल हो डिस्पर्सन मीडियम तो हाइड्रोसॉल, ये आपका हो गया एल्कोसॉल, ये गलत हो गया है, इसको आप बना लेंगे, ये क्या है आपका एल्कोसॉल है। यदि एल्कोहल है तो नाम क्या होगा, एल्कोसॉल होगा, और यदि एयर होगा तो एरोसॉल होगा, बेंजीन होगा तो बेंजोसॉल होगा। तो जैसा नाम वैसा साल, हाइड्रो वाटर, एक्वा वाटर, एल्कोहल, एयर मींस वायु, बेंजोसॉल मीडियम क्या है, बेंजीन है। तो ये है आपका सॉल, सॉल में डिस्पर्सन डिस्पर्स्ड फेज होगा सॉलिड और डिस्पर्सन मीडियम होगा क्या, लिक्विड, जिसके बेस पर ये कैटेगराइज किया गया है। जैसे इसका एग्जांपल है आपका स्टार्च है, आपका आर्सेनिक सल्फाइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, गोल्ड है, इन सब का वाटर के साथ बनाया गया कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाता है आपका सॉल। अगर वाटर के साथ बनाया गया तो आपका स्पेशली हाइड्रोसॉल ही होगा, ये क्या होगा हाइड्रोसॉल। तो हाइड्रोसॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल फॉर ऑल इंट्रेंस एग्जामिनेशंस, मोस्ट एग्जांपल आप एग्जांपल ऑफ सॉल। तो सॉल के बेस पे तमाम नेमिंग आप करेंगे, एक्वासॉल, हाइड्रोसॉल, एल्कोसॉल, एरोसॉल। तो ये है आपका सॉल, और सॉल को बदल देते हैं, यहां सॉल हो गया है आपका। अब बात हम करते हैं जेल की, किसकी बात करेंगे, सेकेंड आपका टॉपिक मिल रहा है क्या, जेल, जेल लिखेंगे जी ई एल आपका जेल है, उसी का जस्ट अपोजिट डिस्पर्स्ड फेज आपका जो है मींस डीपी आपका हो गया यहां लिक्विड, और ये आपका अब डीएम हो गया कैसा सॉलिड। जेल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच लिक्विड पार्टिकल सस्पेंडेड इन सॉलिड। देख रहे हैं यहां, ये अब इसमें मिलेगा, सॉलिड की क्वांटिटी ज्यादा होगी, इसमें डिस्पर्सन मीडियम ज्यादा होगा मींस सॉलिड की क्वांटिटी ज्यादा होगी। जेल लिख लिया, जैसे आपका बटर है,
बटर मक्खन हो गया, जैसे चीज है आपका पनीर हो गया, सौंफ हो गया, साबुन, जेली हो गया, ये सब बेस्ट एग्जाम्पल है आपके जेल के। डिस्पर्स्ड फेज जो है ये लिक्विड है। डिस्पर्स्ड फेज कैसा है? लिक्विड है। और डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और ये आपका डिस्पर्शन मीडियम जो है ये है आपका कैसा? सॉलिड है। जैसे अगर बात हम बटर की करते हैं तो लिक्विड है आपका डिस्पर्स्ड फेज, मींस वाटर है डिस्पर्स्ड फेज, और इसमें जो पाया जाता है फैट, वसा जो पाया जाता है, ये है आपका क्या? डिस्पर्शन मीडियम। फैट मीन्स आपका ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सॉलिड को बताता है। फैटी सब्सटेंस सॉलिड के स्टेट में होगा, जो मक्खन ऊपर पाया जाता है तैरता रहता है, किस में पाया जाता है? वाटर में, तो वाटर की क्वांटिटी, और ये है आपका फैट। तो आपका यहाँ है चीज और बटर और आपका सॉप, तो इसमें मीडियम सॉलिड सब्सटेंस पनीर में ज्यादा है, जो कि था कहाँ? पनीर, और वो आपका फेज उसमें क्या है? वाटर। तो वाटर की क्वांटिटी कम और पनीर की क्वांटिटी क्या? मैक्सिमम। मीडियम ज्यादा होगा, फेज आपका कम होगा। और थर्ड है आपका, इस इमल्सन के इतने एग्जाम्पल्स हैं आपके, और ये आपका मिल रहा है थर्ड, जो आपका कहलाता है इमल्सन। तो थर्ड की बात हम लोग कर लेते हैं इमल्सन की। ये इमल्सन आपका अलग से आया, इमल्सन पायस कहा जाता है इसे। तो ये क्या है आपका? डिस्पर्स्ड फेज और प्लस डिस्पर्शन मीडियम, दोनों आपका कैसा होगा? लिक्विड। दीज आर लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों आपके कैसे होंगे? लिक्विड होंगे। जैसे वाटर इन ऑयल, वाटर को मिला दिया जाए ऑयल में, W by O, वाटर इन ऑयल, तो इसे कहेंगे दैट इज वाटर इज डिस्पर्स्ड फेज। वाटर इज क्या है आपका? डिस्पर्स्ड फेज हो गया। बट यहां चलिए O by W, ऑयल इन वाटर, दैट इज वाटर इज डिस्पर्शन मीडियम। तो दो कंडीशन है, W by O, O by W, इसमें आपका जो वाटर है ये डिस्पर्स्ड फेज है, और इसमें वाटर जो है वो डिस्पर्शन मीडियम है। आपका ये एग्जाम्पल है, मिल्क जो है ये नेचुरल इमल्सन होता है। जो मिल्क है, मिल्क इज द नेचुरल इमल्सन, और इसमें भी आप देखेंगे तो दोनों लिक्विड है, वाटर भी और फैट भी, दोनों आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इस इमल्सन का यूज किया जाता है आपका फूड के रूप में, भोजन के रूप में, और दूसरी चीज आपका यूज किया जाता है एंटीबैक्टीरियल, लाइक इमल्सन ऑफ लाइसॉल एंड फेनिल। तो ये है आपका लाइसॉल, और एक नाम है आपका फेनिल। लाइसॉल और फेनिल के इमल्सन का यूज किया जाता है एंटीबैक्टीरियल के रूप में। ये बैक्टीरिया को जो है डिस्ट्रॉय करते हैं, इस रूप में इसे यूज किया जाता है, और यूज किया जाता है आपका मेडिसिन के फॉर्म में इसका यूज होता है। और मेडिसिन के फॉर्म में कैसे यूज होता है, हम बात करेंगे आहार नाल की, एलिमेंटरी कैनाल की। तो एलिमेंटरी कैनाल में जो है आयल ऑफ कॉल्ड फिश, कांड मछली के तेल जो है, ये एलिमेंटरी कैनाल में डाइजेशन पाचन में हेल्प करता है एज ए मेडिसिन। तो मेडिसिन के रूप में एलिमेंटरी कैनाल में डाइजेशन में सहायक होता है, आहार नाल के पाचन क्रिया में सहायता करता है कांड मछली का तेल, आयल ऑफ कांड लीवर। तो ये है आपका थ्री नेम, सॉलिड जेल और क्या? इमल्सन। तो सॉलिड जेल इमल्सन अगर हटा दिया जाए और एक लाइन में कहा जाए आपका
कि सॉल जेल और इमल्सन, व्हाट इज द सॉल, तो यहां हो गया आपका डिस्पर्स्ड फेज और यहां होगा डिस्पर्सन मीडियम। अगर ये आपका सॉलिड है और ये आपका लिक्विड है तो ये होगा सॉल, ये आपका लिक्विड है ये सॉलिड है तो होगा आपका जेल, और दोनों आपका लिक्विड है तो होगा आपका क्या इमल्सन। ये आपके थ्री टॉपिक्स हैं सॉल जेल एंड इमल्सन, इस पे बेस्ड हम लोग बनाते हैं एक चार्ट और देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। तो एक हमने चार्ट बना लिया है और ये चार्ट रिप्रेजेंट करता है, यहां लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप्स को ये बताता है, कोलाइडल सॉल्यूशन के जो टाइप्स हैं ये एट हैं। आप देखिए सॉलिड लिक्विड गैस, यहां हमने गैस नहीं लिखा है। सॉलिड तीन बार हो गया, लिक्विड तीन बार, गैस दो बार है, तीसरी बार नहीं है। और दूसरी चीज यहां चलिए डिस्पर्स्ड फेज डी और पी है, डिस्पर्सन मीडियम मींस डी और एम है, और आपको बताया ये स्पेशली सॉल्वेंट है, क्वांटिटी ज्यादा है, और ये है आपके कोलाइडल पार्टिकल, और कोलाइडल पार्टिकल आपका क्या है सॉल्यूट है जिसकी क्वांटिटी कम है, तो ये ज्यादा है ये कम है, ध्यान देंगे इस बात को। अब यहां चलते हैं गैस का, गैस में कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनता है, ध्यान देंगे आया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोलाइडल सॉल्यूशन डज नॉट पॉसिबल डिस्पर्स्ड फेज इन डिस्पर्सन मीडियम गैस, डिस्पर्स्ड फेज आप गैस इन डिस्पर्सन मीडियम गैस, गैस का गैस में नहीं बन सकता कोलाइडल सॉल्यूशन। क्यों? अगर गैस का गैस में कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जाए तो दोनों आपस में मिल करके बनाते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा है हेटरोजेनियस। तो कोलाइडल सॉल्यूशन हेटरोजेनियस सिस्टम है, जबकि गैस का गैस में सॉल्यूशन आपका होमोजेनियस है, तो ये पॉसिबल नहीं है, होमोजेनियस हेटरोजेनियस नहीं हो सकता है, तो इसलिए गैस का गैस में कोलाइडल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, जो कि आपका सॉल्यूशन 9 टाइप का होता है। गैस का गैस में भी बनता है बट कोलाइडल सॉल्यूशन 8 टाइप का होता है, पहली क्वांटिटी कम क्वांटिटी ज्यादा। अब चलिए सॉलिड हो आपका डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम हो आपका सॉलिड, इसे कहते हैं सॉलिड साल, और सॉलिड साल का एग्जाम्पल्स है आपका जितने ग्लास है, ये रूबी ग्लास है, ग्लास के तमाम टाइप है, जेना ग्लास है, क्रुक्स ग्लास है ना, और ये पायरेक्स ग्लास है, इस प्रकार से मिनरल्स, ये सब आपके एग्जाम्पल, ये ग्लास का टाइप है रूबी ग्लास, तो ये एग्जाम्पल है आपका किसका सॉलिड साल का, ये एक टाइप है कोलाइडल सिस्टम का जो नाम रखा गया है, नेमिंग है ये कोलाइडल सिस्टम का, क्या है नेम है, और इधर हमने लिख लिया है एग्जाम्पल, तो इसके ये है आपके एग्जाम्पल्स। दूसरा है आपका डिस्पर्स्ड फेज है आपका लिक्विड और ये आपका हो जाए सॉलिड, तो अभी आपको बताया कि डिस्पर्स फेज लिक्विड, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड, तो इसका एक नेमिंग किया गया है जेल, और इसे या तो कहते हैं हम सॉलिड इमल्सन, और सॉलिड इमल्सन की एग्जाम्पल है आपका जेल है, जैली है, क्रूड है, चीज है, पनीर है, जैली है, जेल है, ये सब अभी आपने देखा एग्जाम्पल किसका है जेल का, दूध है, मक्खन है, पनीर है, ये सब एग्जाम्पल है जेल के। गैस है आपका ये सॉलिड है डिस्पर्सन मीडियम, इसे सॉलिड फोम कहा जाता है, फेन मींस झाग, प्यूमिक स्टोन, इसे झावा पत्थर कहा जाता है,
इसमें ज्यादा क्वांटिटी में फोम होता है सॉलिड का और कम क्वांटिटी, इसमें ज्यादा क्वांटिटी होता है सॉलिड का और फोम जो बनता है, जो झाग बनता है, गैस बनता है, ये उस सॉलिड में आपका डिजॉल्व रहता है, मिला रहता है। तो ये है आपका गैस जो कि मिला है किसमें, सॉलिड में। सॉलिड और लिक्विड हो जाए तो पहला नंबर था सॉलिड डीपी हो और डीएम अगर आपका लिक्विड हो तो इसे कहेंगे आप साल। स्टार्च है, प्रोटीन है, जिलेटिन है, गोल्ड है, आर्सेनिक सल्फाइड है, ये सब आपके एग्जाम्पल है किसके, साल के। इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी में लिक्विड है और कम क्वांटिटी में सॉलिड है। इमल्सन आयल अभी बताया था, आयल इन वाटर, वाटर इन आयल, तो इसके एग्जाम्पल है आपके मिल्क है, लेटेक्स है, कॉर्न लीवर है, कॉर्न मछली का तेल है, तो ये सब एग्जाम्पल है किसके, इमल्सन आयल के। फोम झाग है, चाहे साबुन का झाग हो, फोम आप सॉफ्ट साबुन का झाग हो, चाहे क्रीम का झाग हो, ये एग्जाम्पल है आपका किसका, फोम का। और फोम कैसा है, डिस्पर्स फेज गैस और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड, सॉलिड हो और गैस हो, तो इसे कहा जाता है कि सॉलिड गैस, और गैस माने आपका एयर। तो अगर एयर है मीडियम तो नाम था एरोसॉल, अगर ये गैस है तो एरोसॉल ही होगा, तो एक है सॉलिड एरोसॉल और दूसरा है आपका लिक्विड एरोसॉल। जैसे आपका बादल है, जैसे आपका कोहरा है, जैसे आपका कुहासा है, कुहासा, कोहरा, बादल, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। स्मोक है, धुआं है, धूल है, धुआं, धूल, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं किसके, सॉलिड एरोसॉल के। तो जो आपके एग्जाम बनाए गए लाइक आपके नीट जी और सभी आपके ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एक पूछा गया आपका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में नाम दिया जाता है कि सॉलिड है कि लिक्विड है, कैसा है, कौन डिस्पर्सन मीडियम है, कौन सा डिस्पर्स फेज है, किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, किसकी क्वांटिटी कम है, उसके बेस पे जो है पूछा जाता है आपका नाम। एग्जाम्पल आप सॉलिड फोम, एग्जाम्पल आप सॉल, एग्जाम्पल आप सॉल जो है, तो इस चार्ट से एक एग्जाम्पल पूछा जाता है आपका सारे इंट्रेंस एग्जामिनेशनों में, चाहे जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन हो दे दिया जाता है, सॉलिड साल है, सॉलिड एरोसॉल है, लिक्विड एरोसॉल है, तो ये सब एग्जाम्पल्स दे करके पूछा जाता है कौन डिस्पर्सन मीडियम है, कौन डिस्पर्स फेज है, या सॉल है कि जेल है कि इमल्सन है, लिक्विड एरोसॉल है, सॉलिड एरोसॉल है, किस प्रकार का एरोसॉल है, किस प्रकार के इमल्सन है, किस टाइप का फोम है, ये सारे एग्जाम्पल्स बनते हैं इस चार्ट से। एक जीएस का भी क्वेश्चन इसी चार्ट से बनता है, तो ये एक क्वेश्चन के लिए चार्ट देखिए, कौन कम क्वांटिटी में है, कौन मैक्सिमम क्वांटिटी में है, कौन सॉल्वेंट है, कौन सॉल्यूट है, कौन मीडियम है, कौन फेज है, तो इस बात पे ये बेस्ड करता है तमाम क्वेश्चन, और जिसके केवल और केवल एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं।